हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। मेरा नाम मुस्तफ़ा आलम हुआ, आप देख रहे हैं आई लाइक इट फॉर यू। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन चलाते हैं, अगर आपने पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन यूज करते हैं, अगर आपका पैसा ट्रांसफ़र टू ट्रांसफ़र लेन देन चलते रहता है हमेशा, तो ठीक बात है। अगर नहीं चलता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसा ट्रांसफ़र होता है आपके पेटीएम बिजनेस में, तो इसमें आपका 12 घंटे का अंदर आपके अकाउंट में पैसा पहुंचता है। लेकिन अगर एक सेटिंग इनेबल कर लेंगे, जिस सेटिंग का नाम है सेटलमेंट ऑप्शन या ट्रांसफ़र टू बैंक, इस सेटिंग को इनेबल करेंगे तो आपका पैसा अकाउंट में हैंड टू हैंड चले जाता है, जिसे बोलते हैं अर्जेंट मनी ट्रांसफ़र। तो दोस्तों, पेटीएम बिजनेस में ये सेटिंग नहीं रहेगा, आपको कस्टमर केयर के द्वारा कॉल करेंगे इस सेटिंग को इनेबल करने में, तो आपका 7 दिन का टाइम तो लग ही जाता है। आपका 7 दिन के अंदर आपके पेटीएम बिजनेस का जो ट्रांसफ़र टू बैंक हो या सेटलमेंट का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। अगर आपको कस्टमर केयर का नंबर चाहिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका नंबर, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि मुझे सेटलमेंट का ऑप्शन मेरे पेटीएम बिजनेस में नहीं है, उसको इनेबल करना है, तो आपको कर देगा। सेटलमेंट का ऑप्शन इनेबल होने के बाद कुछ वीडियो जो हैं, जिसको देख कर आप पैसा कैसे ट्रांसफ़र करना है, कैसे डालना है अकाउंट में। अगर आपके 10 रुपये तक रहेगा पेटीएम बिजनेस में बैलेंस, तो आपके अकाउंट का जो सेटलमेंट है वो ऑप्शन शो करेगा। अगर आपके 10 रुपये से कम रहेंगे तो आपको वो ऑप्शन शो नहीं करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं बिना किसी बकवास किए। मैं पेटीएम बिजनेस का एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। ये रहा मेरा पेटीएम बिजनेस का एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका इंटरफेस सो इस तरह होता है। मेरा एप्लीकेशन अपडेट मांग रहा है, लेकिन अपडेट नहीं करेंगे, नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ देख रहे हैं मेरे बंदे ने पैसा ट्रांसफ़र किया है 899 रुपया, 899 रुपीज़ मेरे अकाउंट में पैसा आया है। यहाँ दो ऑप्शन है, पेमेंट और सेटलमेंट। तो पेमेंट पर क्लिक करके उसका बायो डाटा डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं कि किस डेट को मेरा पैसा ट्रांसफ़र किया, कौन ने ट्रांसफ़र किया, उसका ईमेल आईडी नंबर वगैरह यहाँ पर सब तो हो जाता है। यहाँ पर सारा मेन्यू यहाँ देख सकते हैं, लेकिन उसका साइड में सेटलमेंट का ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक करेंगे। सेटलमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे में एक छोटा सा ऑप्शन आता है, सेटल नाउ। सेटल नाउ ऑप्शन आता है, यहाँ से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जितना मर्जी हो उतना बैलेंस आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे सेटल नाउ पे। सेटल नाउ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पर देखेंगे कि जितने ही बैलेंस आपके अवेलेबल रहेंगे सभी यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा बैलेंस भेजना हो तो पूरा बैलेंस भेज सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि 500 भेजें या 100 भेजें तब भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है, 50 रुपये से लेकर आप 2 लाख रुपये तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपके बैलेंस 50 रुपये से कम रहेंगे तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, अगर आपके बैलेंस 50 रुपये तक रहेंगे तभी ट्रांसफ़र होने वाला है। तो आपके अकाउंट नंबर यहाँ पर बैंक नेम दिख जाएगा, और जितना मर्जी हो वह उतना बैलेंस ट्रांसफ़र कीजिए। मैं तो पूरा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, 899 ट्रांसफ़र करेंगे और प्रेशर पे क्लिक करेंगे। देखेंगे मेरे बैंक में पूरा तरीके से पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है। सुबह इस तरह से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक नीचे ऑप्शन है, गो टू सेटलमेंट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देख रहे हैं सेटलनाओ का ऑप्शन हैड हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपका हैड इसलिए हो गया, अगर आपके 10 रुपये रहेंगे तभी आपके ये शो होगा, अगर आपको 10 रुपये के नीचे रहेगा तो ये सेटलनाओ का ऑप्शन शो नहीं होने वाला है। मिनिमम आपका बैलेंस 10 रुपये होना चाहिए तभी आपके सेटलनाओ का ऑप्शन शो होगा। बस आज का इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब मैं नया नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन इनबॉक्स में एंट्री हो जाएगा। अगर आप नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। बस मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना।